गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आज मैं लाया हूं एक खुशखबरी। हॉर्टिकल्चर पढ़ने वाला स्टूडेंट को मिलेगा जॉब अपॉर्चुनिटी। हाँ, बिहार में 318 प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के पोस्ट आया है और जिसका आवेदन शुरू होगा 1 मार्च से। ये गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है और ये उद्यान निर्देशालय के अंडर में रहेगा। अगर हम लोग देखेंगे इस पोस्ट में कितना संरक्षण है, तो 81 पोस्ट है अनारक्षित वर्गों में, और जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसके लिए 32 सीट रखा गया है, अनुसूचित जाति के लिए 68, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, ईबीसी ग्रुप के लिए 86 और ओबीसी के लिए 44। इसमें हर वर्ग में 35% महिला के लिए आरक्षण रहेगी। इस जॉब में आपको सैलरी कितना मिलेगा? इस जॉब का सैलरी शुरू होगा 25,500 प्रति महीना से, जो आगे बढ़ के कम से कम 81,000 मिलेगा। और इसके लिए मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया होगा बीएससी इन हॉर्टिकल्चर और बीएससी इन एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। याद रखिएगा, ये जो इंस्टीट्यूट होगा वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आईसीएआर के द्वारा। और इसका उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 2023 में 1 अगस्त में आपका मिनिमम एज होना चाहिए 21, जहां आगे बढ़ के 35 साल तक आप एलिजिबल है। जहां ईबीसी ओबीसी के लिए ये एज बढ़ा के 40 तक दिया गया है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए इसका एज 42 रखा गया है। इसमें चयन की तरीका है, पहले रिटेन एग्जाम होगा। इसका पहले जो एग्जाम होगा जनरल हिंदी, जिसमें एक पत्र रहेगा, उसमें आपको मार्क्स रहेगा 100, 2 घंटा का एग्जाम होगा। और एक पेपर रहेगा जिसमें जनरल नॉलेज, जिसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन 2 घंटा रहेगा। ये छोड़ के आपको जो उद्यान अधीनस्थ जो एग्जाम होगा, इसमें 2 पेपर होगा। प्रथम पेपर में जनरल एग्रीकल्चर से पूछा जाएगा, उसमें हॉर्टिकल्चर भी आएगा, उसका 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा 100 और ये 2 घंटा का होगा। और द्वितीय जो पत्र होगा उसमें 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, वो भी 2 घंटा का होगा। ये एग्जाम देने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभ करने का तिथि है 1/3/2024, जो अंतिम तिथि है वो है 21/3/2024। डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। ये मौका अगर हाथ से निकल जाएगा तो आपको अफसोस हो सकता है, और उसके लिए आपको सही डायरेक्शन में सही गाइडेंस का जरूरत। आप लोग क्या करते हैं इस एग्जाम का तैयारी करने के टाइम में, आप लोग ऑनलाइन में जो सब किताब मिलता है, ऑब्जेक्टिव किताब, वो सब खरीद लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव किताब तो अच्छा है क्वेश्चन के लिए, लेकिन बहुत समय इसमें जो आंसर की होता है वो गलत रहते हैं। उसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करूंगा टेक्स्ट किताब पढ़िए। आपका जो दिया गया है सिलेबस है, वो सिलेबस के अनुसार बी चौधरी का वेजिटेबल्स और रंजीत सिंह का फ्रूट्स बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ देश राज्य का जो फ्लोरिकल्चर एट ए ग्लांस, ये अच्छा किताब माना जाता है फ्लोरिकल्चर में, ये भी आपका एग्जाम के लिए सूटेबल है। और एन कुमार का ऐसा किताब लिखा है जो इंट्रोडक्शन टू स्पाइस प्लांटेशन क्रॉप्स मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये किताब 3-4 चीज को एक साथ आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और अगर ये किताब आप खरीदना चाहते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, वहां जाके डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से भी ये किताब परचेज कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल्स नॉलेज चाहिए,
हमारा और भी वीडियो है जहां मैं डिफरेंट क्वेश्चन को डिस्कशन किया हूँ। इसमें लॉन्ग लॉन्ग वीडियो है, कभी कभी शॉर्ट वीडियो है। तो आपको ये एग्जाम को अपॉर्चुनिटी गवाना नहीं चाहिए और मेरा ये वीडियो देखते रहिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है ये कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नया एक नेक्स्ट वीडियो में।